हाय गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट टेक्निकल। और रोज की तरह आज भी हम रिव्यू करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और ये रिव्यू डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, देखेंगे कि किस तरह का प्राइस एक्शन हमें आज चार्ट्स पर देखने को मिला बैंक निफ्टी और निफ्टी में, और साथ साथ आइडेंटिफाई करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर टुमारो एंड फॉर द वीक ऑल्सो। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। सो बैंक निफ्टी में कल हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जिसे कहते हैं इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न। सो ये दो कैंडल आप जो देख रहे हैं, इन दोनों कैंडल को मिलकर बनता है इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक बियरिश पैटर्न है जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और मे बी हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, राइट? सो जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कल के सेशन में, तो आपने देखा कि आज के सेशन में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। आपको यहाँ पे डेली चार्ट पे गैप नहीं दिख रहा है, बट अगर आप इंट्राडे के चार्ट पे जाएंगे तो आपको ये गैप क्लियरली दिखाई देगा। तो आपने देखा कि आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद बैंक निफ्टी में यहाँ पर हमें रिकवरी देखने को नहीं मिली, गैप फिल करने की कोशिश नहीं की बैंक निफ्टी ने, और लगातार हमें गिरावट देखने को मिली और अपने लो के आसपास बैंक निफ्टी में हमें क्लोजिंग देखी। तो इस तरह से आज जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है वो एक वीक कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हुआ है, एक बियरिश कैंडल बनी है, राइट? सो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर डेली चार्ट पर हमें वीकनेस नज़र आ रही है, और ये जो गैप फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, आप जो पिछले दो सेशन में हमने एक अच्छी खासी तेज़ी देखी, करीब 15% की तेज़ी हमने केवल दो सेशन में हमने बैंक निफ्टी में देखी थी। तो जब इस तरह की तेज़ी आती है और बहुत जल्दी आती है तो उसके थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है जिसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो आपने देखा यहाँ पर हमें आज के सेशन में गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं कि कल के सेशन में हमें किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। तो आज के बेसिस पे अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, आज जैसे एक बियरिश कैंडल बनी है और यहाँ पर ये गैप अभी पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि कल के सेशन में भी ये जो वीकनेस है आगे कंटिन्यू होती हुई नजर आए। तो उसके लिए हम आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे लेवल्स जहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। सो गाइस, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। आप सिंपल प्राइस एक्शन से पता कर सकते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेसिस्टेंस है, आप फिबोनाची से पता कर सकते हैं। और अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में जानना है कि कैसे हम सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं चैनल पर जिनको ये बेसिक नॉलेज नहीं है कि रेसिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। रेसिस्टेंस ऐसा लेवल होता है जहां पर हमें बिकवाली देखने को मिलती है, और सपोर्ट ऐसा लेवल होता है जहां पर हमें खरीदारी देखने को मिलती है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, आप सभी को पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता, तो उन लोगों के लिए मैंने यहां पर डिस्क्राइब किया। सो यहाँ पर अब जैसे आप देख रहे हैं कि मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो अगर हमें पता करना है कि गिरावट कहाँ पर रुक सकती है, तो हम इस केस में आइडेंटिफाई करेंगे सपोर्ट लेवल्स, राइट? तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स आइडेंटिफाई हम सबसे पहले करेंगे फिबोनाची से। सो फिबोनाची हम ड्रॉ करेंगे लो और हाई को कनेक्ट करके। सो फिबोनाची के बेसिस पे यहाँ पर हम बात करें अगर रेसिस्टेंस की, तो 0.786 जो रेशियो है एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। इसके लेवल्स हैं 30,660 के। आप मंडे का सेशन देखें, मंडे के सेशन में जो क्लोजिंग आई थी इसी लेवल के नीचे आई, और एक अपर शेडो देख रहे हैं जो क्लियरली डिक्टेट कर रही है कि इस लेवल पर हमें रेसिस्टेंस देखने को मिली। और क्योंकि हमें ऑलरेडी 15% का मूवमेंट 2 दिन में मिल चुका था, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड था। ये बेसिकली एक आप इसे कॉमन सेंस बोल सकते हैं कि जब इतनी तेजी आती है और इतनी फास्ट आती है, तो आगे इसी तरह की तेजी कंटिन्यू होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और मार्केट थोड़ा सा वहां पर थकता है, और दोबारा से वो तेजी कंटिन्यू होने के लिए एक रिट्रेसमेंट हमें यूजुअली देखने को मिलता है। तो ये रिट्रेसमेंट का जो कंफर्मेशन था वो हमें कल के सेशन में मिला, जब आपने देखा कि ये जो रेशियो है 0.786 30,660 का लेवल, कल वहां पर हमें कंफर्मेशन मिली। इस कैंडल आप देख सकते हैं, इसके अपर शेडो यहाँ पर बनी, वहीं से
हमें लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, राइट। और एक यहाँ पर वीक कैंडल बनती हुई नजर आई, एक इंडिसाइजिव कैंडल से बनती हुई नजर आई। तो कल का जो सेशन था बेसिकली वो एक कंफर्मेशन था रेसिस्टेंस का, जो कि था 30,660 के आसपास। अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो बैंक निफ्टी जो सपोर्ट ले रहा था वो ले रहा था 29,785, जो कि है फिबोनाची रेशियो 6.18। तो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। और आज के सेशन में अगर आप देखें तो आज गैप डाउन ओपनिंग हुई और ये रेंज आज नीचे की तरफ टूट गई। तो ये जो लेवल है 29,785 के, अब यही लेवल्स एक रेसिस्टेंस का काम करेंगे। तो कल के सेशन में आप इन लेवल्स को ध्यान में रखें, 29,785। अब कल के सेशन में ये रेसिस्टेंस का काम करेंगे, क्योंकि आज के सेशन में ये सपोर्ट का काम कर रहे थे लेकिन वो सपोर्ट होल्ड नहीं हुआ। और जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो आने वाले सेशन के लिए रेसिस्टेंस का काम करता है, राइट। और नेक्स्ट सपोर्ट हम यहाँ पर फाइंड आउट करें तो नेक्स्ट सपोर्ट जो फिबोनाची के हिसाब से हमें मिलता है वो मिलता है 29,170 के आसपास। सो 29,170 का जो है वो एक नेक्स्ट सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे सपोर्ट फाइंड आउट करें तो ये जो गैप एरिया है, ये गैप एरिया भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो गैप एरिया के सपोर्ट फाइंड आउट करने के अलग अलग ट्रेडर्स के अलग अलग तरीके हैं। कुछ ट्रेडर्स जो हैं, ये जो आप शेडोज देख रहे हैं उन शेडोज को कंसीडर करते हैं, और कुछ ट्रेडर्स ये ओपन या क्लोज को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लोजिंग प्राइस को कंसीडर कर रही हूँ। तो अगर आप ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते हैं तो उसके हिसाब से आप अपने लेवल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे बेसिस पे सपोर्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 28,980 के आसपास। तो ये करीब 150-170 पॉइंट का जोन है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो वीकली बेसिस पे भी काम करेगा। तो अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है इस वीक में, इस लेवल के आसपास क्लोजिंग मिलती है, इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो हो सकता है जो तेजी आपने फ्राइडे के सेशन से देखी है वो आगे कंटिन्यू होती हुई नजर आए। तो इस लेवल्स को आप जरूर ध्यान में रखें। तो चलिए वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट अगर आप देखें तो अभी जो आपको कैंडलस्टिक फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है तो एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बन रहा है, लेकिन अभी वीक की क्लोजिंग नहीं आई है, अभी दो ट्रेडिंग सेशन और है, आज वेडनेसडे हुआ है तो ये कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो हमें यहाँ पर वेट करना होगा। और अगर हम प्रीवियस प्राइस एक्शन की बात करें तो हमने अपने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो वीकली अगर आप चार्ट देखें तो ये अभी भी बुलिश है, और वीकली बेसिस पे जो आपके लेवल्स रहेंगे वो सेम रहेंगे जो हमने डेली चार्ट से आइडेंटिफाई किए थे, वो है 29,000 से लेके 29,100 के। तो इस लेवल के आसपास आप प्राइस एक्शन को ज़रूर नोटिस कीजिए, और अगर इसके ऊपर ये बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो ये तेज़ी आगे भी कंटिन्यू हो सकती है, राइट। अब हम बात करते हैं मंथली चार्ट की। तो मंथली चार्ट पे हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मंथली चार्ट भी यहाँ पर बुलिश है, और पिछले मंथ का जो हाई है वो क्रॉस हो चुका है, तो पिछले मंथ का हाई इस मंथ होल्ड होना चाहिए, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पर अब आज हम चेक करते हैं इंट्राडे के चार्ट्स। सो इंट्राडे में हम सबसे पहले देखेंगे 15 मिनट का चार्ट। सो आपने अगर मेरा कल का वीडियो देखा हो तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट, स्पेशली 15 मिनट के चार्ट पर एक हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसे कहते हैं बैट पैटर्न, और ये एक बुलिश पैटर्न है, और इसका जो सपोर्ट एरिया हमें यहाँ पर हार्मोनिक के हिसाब से मिलना है। तो कल के सेशन में ही हमने उस लेवल को टेस्ट किया, वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला, और बाउंस बैक होने के बाद हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, राइट। और आज के सेशन में अगर आप देखें तो आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिली, गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ, राइट। तो यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ, आप देख सकते, वो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हमें आगे भी गिरावट देखने को मिली, गिरावट मिली, उसके बाद एक बाउंस बैक हुआ, आपने देखा ये बाउंस बैक हुआ, और वही सपोर्ट लेवल एक रेसिस्टेंस की तरह काम किया, और फिर से हमें दोबारा से गिरावट देखने को मिली।
सो गाइज, यहाँ पे मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी. बहुत सिंपल टॉपिक है, स्पेशली फॉर बिगनर्स जो मार्केट में नए हैं, नया नया टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं. वो ये गलती हमेशा करते हैं जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं. तो जैसा हमने यहाँ पर बात की थी सपोर्ट और रेसिस्टेंस की, तो जैसे ये एक सपोर्ट हमने फाइंड आउट किया था हारमोनिक पैटर्न के बेसिस पे, तो ये जो सपोर्ट है ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये जो प्राइजेस हैं सपोर्ट लेंगे ही लेंगे. ये एक प्रोबेबिलिटी थी, उसके बेसिस पे यहाँ पे सपोर्ट प्राइजेस ले सकते हैं, बैंक निफ्टी यहाँ पर रुक सकता है, खरीदारी दिख सकती है. अब वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा प्राइस एक्शन से. तो प्राइस एक्शन के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना ज़रूरी है. जैसे आपने देखा कि सपोर्ट एरिया पे आते ही यहाँ पे एक डोजी पैटर्न बना, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना, और इन तीनों को कंबाइन करने पर हमें पता चला कि यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न फॉर्म हो चुका है जो इस सपोर्ट एरिया को कन्फर्म करता है. सो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर कन्फर्मेशन हमें मिली कि यहाँ पे खरीदारी है और हम यहाँ पर खरीद सकते हैं, हम एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, राइट? और दूसरी गलती जो लोग करते हैं स्पेशली बिगनर्स, कि जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे खरीदारी है, हमें सारी कंफर्मेशन मिल गई, तो उनका मानना होता है कि ये जो तेजी है आगे रेसिस्टेंस तक कंटिन्यू होगी. तो ये ज़रूरी नहीं है, ये तेजी जो है कहीं भी ख़त्म हो सकती है. ये ज़रूरी नहीं है कि जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं वहाँ तक जाएगी ही जाएगी, जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है. तो उस केस में प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसीलिए मैं हर वीडियो में आपसे डिस्कस करती हूँ कि अगर आप प्राइस एक्शन को समझते हैं तो आपको बाकी इंडिकेटर्स, बाकी टूल्स और बाकी पैटर्न्स की भी जरूरत नहीं है. बाकी पैटर्न्स हम एडिशनल कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं, राइट? सो सबसे पहले आप प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए. जैसे आपने देखा कि यहाँ पे तेजी हुई, उसके बाद गिरावट, फिर तेजी, और ये तेजी यहाँ पर खत्म हो गई, राइट? और आज के सेशन में आपने देखा कि गैप डाउन ओपनिंग मिली और उसके बाद ये सपोर्ट लेवल जो हमें हार्मोनिक से मिला था, वो सपोर्ट लेवल एक बड़ी बिग बियरिश कैंडल से टूटता हुआ नजर आया. उसके बाद आप देख सकते हैं लगातार गिरावट हमने बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली. आपने देखा ये टूटने के बाद इसमें गिरावट हुई, फिर एक बाउंस बैक देखने को मिला और उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिली, राइट? और अब यहाँ देख रहे हैं फिर से हो सकता है हमें थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिले. तो इसीलिए प्राइस एक्शन को समझना बहुत जरूरी है. लेवल्स बेसिकली आप फाइंड आउट करते हैं कि आप उन लेवल्स के आसपास प्राइस एक्शन को नोटिस करें, उसके बेसिस पे आप कोई भी ट्रेड ले, राइट? और उसको ओवरऑल कंटेक्स्ट, ओवरऑल व्यू के साथ साथ भी समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे वीकनेस दिख रही है, तो ये जो सपोर्ट था ये इंट्राडे में इम्पॉर्टेंट था, लेकिन आपने देखा कि आज पहले घंटे में ही ये सपोर्ट टूट चुका था. इसका मतलब ये था कि आज जो गिरावट ओपनिंग से हमें देखने को मिली वो आगे भी कंटिन्यू हो सकती थी. तो इसीलिए प्राइस एक्शन को ज़रूर समझिए और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की पहले कोशिश ज़रूर कीजिए. सो अब बात करते हैं कल के लिए, कि कल के लिए इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं. तो डेली लेवल्स हमने सो डेली और वीकली लेवल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पर एक और पैटर्न की प्रोबेबिलिटी बन रही है जिसे कहते हैं ABCD पैटर्न, और उसके बेसिस पे जो इंट्राडे में सपोर्ट मिल सकता है वो हमें मिल सकता है करीब 29,260 के आसपास. ये जो आप लेवल देख रहे हैं 29,270 के आसपास, ये जो सपोर्ट है ये आपको इंट्राडे में कल के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं. और इंट्राडे के लिए जो रेसिस्टेंस रहेगा वो आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस बॉटम जो है यही लेवल एक रेसिस्टेंस का काम करेगा जो है 29,600 के आसपास. और नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो आपको देखने को मिल सकता है वो आपको मिलेगा, ये जो PRZ जोन है ये एक मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा. सो आई होप आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस के कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए हो. अगर आप
और इसके बारे में जानना चाहते हैं स्पेशली बिगनर्स, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड एक बेसिक वीडियो बनाऊं जहां पे मैं आपको समझाऊं कि सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, और उसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम यूज़ करें ताकि आप इस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए चलकर देखते हैं निफ्टी के चार्ट्स। तो ये निफ्टी के चार्ट्स आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था। हमने डिस्कस किया था कि एक बियरिश पैटर्न है, तो हो सकता है हमें यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। ये जो गैप एरिया है, ये गैप एरिया फिल होता हुआ नज़र आए। तो आपने देखा कि आज की जो कैंडल बनी है एक बियरिश कैंडल बनी है, और इस कैंडल को कहते हैं बियरिश बेल्ट होल्ड। इस कैंडल का ओपन और हाई देखें तो ओपन और हाई सेम था, इसका हाई था 11,560 के आसपास और ओपन भी सेम था। तो ओपन और हाई अगर सेम होता है तो वो ओपनिंग काफ़ी वीक होती है, उसके बाद हमने लगातार गिरावट देखी और निफ्टी अपनी लो के आसपास ही क्लोज हुआ, तो एक वीक क्लोजिंग आज यहाँ पर हमें देखने को मिली। अब बात करते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट जो निफ्टी के लिए आपको डेली बेसिस पे मिलेगा वो मिलेगा 11,370 के आसपास, और जो ये लेवल निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा था कल के सेशन में वो था 11,540 के आसपास। तो ये लेवल सेशन की स्टार्टिंग में आज की ओपनिंग पे टूटा, और अगर हम इसे बेहतर तरीके से देखना चाहें तो हम इसे आर्ली चार्ट पे क्लियरली देख सकते हैं। तो आपने देखा कि पहले घंटे की कैंडल में ये जो लेवल था 11,540 का, ये लेवल टूटा। उसके बाद एक और सपोर्ट लेवल था जो एक यहाँ पर करीब 11,470 का था, ये लेवल आर्ली चार्ट पे होल्ड करने की कोशिश करी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 घंटे यहाँ पे ये लेवल्स होल्ड किया, लेकिन उसके बाद आप ने देखा कि ए वाले घंटे में करीब 1:15 के आसपास ये लेवल्स टूटते हुए नज़र आए और उसके नीचे ही क्लोजिंग मिली। तो आपके लिए कल के लिए जो रेसिस्टेंस रहेंगे वो रहेंगे 11,470 के आसपास, और जो मेजर रेसिस्टेंस रहेगा वो होगा 11,540 के आसपास, और जो सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट रहेगा 11,370 के आसपास, राइट। और कल के वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है, एक गाटले पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। सो गाइज, यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्म हो रहा था एक गाटले पैटर्न फॉर्म हुआ था, और गाटले पैटर्न का जो पीआर जेड होता है, रिवर्सल जोन एरिया जो होता है, वो 0.786 to 1.27 होता है। उसके बेसिस पे यहाँ पे जो हमने फिबोनाची रेशियो प्लॉट करे तो 11,520 के आसपास ये लेवल्स आ रहे थे, लेकिन पहले 15 मिनट की अगर आप कैंडल देखें तो पहले 15 मिनट की कैंडल में ही ये लेवल यहाँ पर टूट गए। उसके बाद उसी लेवल पे रेसिस्टेंस हमें देखने को मिला और गिरावट आगे कंटिन्यू हुई, थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ और फिर ये गिरावट आगे बढ़ती हुई नज़र आई। सो ये जो लेवल है आपकी ओपनिंग के टाइम पे ही यहाँ पर नेगेट हो चुका था, यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को नहीं मिला। सो ये लेवल्स इंट्राडे में रेसिस्टेंस का आज काम करती, क्योंकि सपोर्ट लेवल्स थे प्रोबेबल लेकिन होल्ड नहीं हुए, इसीलिए आपने देखा एक रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पर इस लेवल ने काम किया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पैटर्न की बन रही है वो एक क्रैप पैटर्न बन रहा है, सिमिलर पैटर्न है, वो आगे एक्सटेंड हो जाता है। ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। तो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया जो आपको मिलता है इस पैटर्न के हिसाब से वो है 1.618, जो एक गोल्डन रेशियो भी है। सो इसके हिसाब से निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो मिलेगा 11,330 के आसपास, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो जो होता है उसके हिसाब से जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 11,286 के आसपास। तो ये 30-40 पॉइंट का जोन है, और अगर आप नोटिस करें तो गैप एरिया भी उसी के आसपास कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूरी बनी हुई है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ये गैप को पूरा फिल करने की कोशिश करें। तो ये गैप एरिया जहाँ पे फिल
खत्म होता है उसके आसपास आप प्राइस एक्शन को जरूर नोटिस करें। सो आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया हो, और अगर हम यहाँ पर बात करें वीकली और मंथली लेवल पर, तो निफ्टी में यहाँ भी कोई चेंज नहीं आया है। वीकली क्लोजिंग हम यहाँ पर फ्राइडे को नोटिस करेंगे, ओवरऑल बुलिश है, यहाँ भी मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक बना है और ये कैंडल अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो वीकली क्लोजिंग का वेट करेंगे। मंथली लेवल पर भी अभी जो हमारा व्यू है वो इंटैक्ट है, बुलिश है, तो मेन बात है कि इस बार मंथ की क्लोजिंग कहाँ आती है। सो अगर पिछले मंथ के ऊपर आती है तो यहाँ पे जो हमारा व्यू है वो इंटैक्ट रहेगा, तो मंथली और वीकली चार्ट बुलिश है, डेली चार्ट पे थोड़ी सी वीकनेस है, तो आप इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में रखें, इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखें, और अगर आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न अगर नोटिस कर रहे हो तो ये तीनों जो कैंडलस्टिक पैटर्न मिलकर बन जाता है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जो एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं तो इन सपोर्ट्स को आप ध्यान में रखें, तो ये एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट पैटर्न भी हो सकता है। सो आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया हो। कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।